रिश्तों में विश्वासघात, भाई ने अपनी ही बहन के घर पर रखे पैसों पर किया हाथ साफ। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। रिश्तों को तार तार करती एक खबर मीरा रोड से सामने आई है, जहां एक भाई ने अपनी ही सगी बहन के घर पर 26 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि बीते 5 नवंबर को शिकायतकर्ता तरन्नुम खान ने अपने घर में हुई चोरी का मामला दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता अनुसार 4 नवंबर की रात जब वह घर पर नहीं थी, यानी कि वह रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी, तब अज्ञात चोर ने घर में रखे 26 लाख रुपए नकदी पैसे व लाखों के सोने के दागिनों पर अपना हाथ साफ कर लिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपने घर में हुई घरफोड़ी का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होते ही पुलिस द्वारा 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। शुरुआती तफ्तीश में घरफोड़ी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई करीबी है, इस बात का खुलासा हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस को यह पता चला कि तरन्नुम खान का सगा भाई फरमान खान अपने बीवी तथा बच्चों के साथ फरार है, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना व तकनीकी जानकारी के आधार पर तरन्नुम के भाई को गुजरात के वलसाड़ स्टेशन से पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने फरमान खान के पास से 25,24,500 रुपए नकदी पैसे व 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि घरफोड़ी की वारदात को अंजाम खुद तरन्नुम के भाई ने ही दिया था। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह यह बात जानता था कि बड़ी बहन ने दूसरी बहन की शादी के लिए घर में नकदी पैसे व सोने के दागीने रखे हुए हैं, जिसके बाद उसने 4 नवंबर की रात को सोची समझी साजिश के तहत घरफोड़ी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आगे की कार्रवाई जारी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।